अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक अगेन विद द न्यू वीडियो ऑफ GTA 5। तो यार जैसे कि फ्रैंकलिन अभी अपने नए वाले घर में मौजूद है, तो जो फ्रैंकलिन ने भी अपनी नई गाड़ी BMW परचेज करी थी, तो भाई आज उसकी मॉडिफिकेशन वगैरह करवानी है। तो अभी चलते हैं हम लोग लॉस सैंटोस कस्टम, तो यहाँ से काफ़ी दूर है यार, और ये स्विमिंग पूल एरिया है फ्रैंकलिन के घर का। भाई ये गमला किसने गिरा दिया? हेलो, कोई बात नहीं, फ्रैंकलिन की भाई नई वाली BMW अभी इसके गैरेज में खड़ी हुई है, तो उसे निकालते हैं और लेके चलते हैं लॉस सैंटोस कस्टम। इस टाइम पे फ्रैंकलिन को देखो तुम लोग भाई फुल कट शर्ट में। ओके, तो गैरेज के डोर्स ओपन हो रहे हैं, और ये रही वो BMW जो कि फ्रैंकलिन ने रिसेंटली परचेज की। अगर तुम लोगों ने इसकी वीडियो नहीं देखी तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके देखो। ओके, तो साउंड सुनो यार तुम लोग, इसका बहुत खतरनाक साउंड है। चलते हैं भाई से लॉस सैंटोस कस्टम लेके यार, और इसका कलर वगैरह सब चेंज करवाएंगे, और अभी देखेंगे इसमें कौन कौन सी मॉडिफिकेशन हो सकती हैं। खुल जा सिम सिम। ओके, तो राइट साइड का इंडिकेटर ऑन है, देख लेते कोई गाड़ी तो नहीं है, तो फर्स्ट पर्सन व्यू में चलाते हैं साइज थोड़ा। इसका इंटीरियर ये देखो, बहुत ही क्लास का इंटीरियर है। देखेंगे भाई इसमें किस तरीके की मॉडिफिकेशन होती है, स्पॉइलर वगैरह सब देखेंगे। अभी कुछ पता नहीं है कि कैसी मॉडिफिकेशन होती है इसमें, तो जो जो इसमें मॉडिफाइड हो रहा होगा सब करवाएंगे, कलर भी चेंज करवाएंगे, देखेंगे कौन सा अच्छा लग रहा है। चल भाई क्या हो गया, इतनी स्लो स्लो चलाते हैं, एक तो हाईवे पर है, इतनी स्लो स्लो गाड़ी चलाते हैं ये लोग। तो इसको मॉडिफाइड करवाने के बाद हम इसको ना फिर हाईवे पर लेके चलेंगे, इसकी स्पीड वगैरह टेस्ट करेंगे कि भाई कितनी मैक्स स्पीड करती है ये। टू 200 अबव तो जाएगी वैसे ये अपग्रेड होने के बाद, तो फुली इसका अपग्रेड करवाएंगे इंजन वगैरह सब। के तो आगे एक भाई फुल गाड़ी जा रही है मॉडिफाइड हुई हुई, रेस लगाएगा क्या हमसे? आजा रेस लगाएगा, रुक गया। हाँ रेस लगाएगा, रेस लगा नहीं लगाएगा, डर गया मुझे लग रहा है। वो कम गाड़ी थोड़ी है फ्रैंकलिन की भाई, ये अभी विदाउट अपग्रेड ही देखो कितनी ज़बरदस्त चल रही है, स्पीड तो इसकी भाई खतरनाक स्पीड है। अभी फ्रैंकलिन ने भाई एक और गाड़ी परचेज़ करनी है, क्योंकि फ्रैंकलिन की इस घर का गैरेज बहुत बड़ा है। अगर तुमने इस नए वाले घर की वीडियो नहीं देखी तुम लोगों ने, तो जाके वो भी देखो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, फुल टूर हुआ हुआ उसमें इस घर का। ये तो अभी सिग्नल ऑन हो जाए फिर चलते हैं हम लोग। लुक तो भाई बहुत ख़तरनाक दे रही है ये देखो, विदाउट मॉडिफाइड ही इतनी ज़बरदस्त है, मॉडिफाइड होने के बाद तो पता नहीं कैसी लगेगी। ओके, तो सिग्नल ऑन हो चुका है, हमने राइट साइड पे जाना है। ब्रेक्स तो इसके भाई अभी से बहुत ज़बरदस्त हैं, फौरन रुक जाती है। ओके, तो एक और सिग्नल आ चुका है लेकिन हम रुकेंगे नहीं। ओके, ऑन हुआ हुआ है वैसे तो, इस सिग्नल पे हमें रुकना पड़ेगा क्योंकि आगे ट्रैफिक हो सकता है भाई, कोई भी गाड़ी आ सकती है, और हमारी BMW नुकसान हो सकता है ना यार इसका, अगर ठुक वुक गई कहीं। चल भाई जल्दी खुल जा यार,
ओके तो ऑन हो चुका है भाई सिग्नल्स। चल चलना यार, एक और सिग्नल। मैं लेफ्ट साइड पे जाना, और देखो लेफ्ट साइड का इंडिकेटर, इसके इंडिकेटर भी यार यार बहुत कमाल के हैं, देखो कितने ज़बरदस्त हैं। और ये इसके जेन्युइन नेम लगे हुए हैं गाड़ी के, BMW लिखा हुआ है। ओके योर कार इज़ ग्रेट, कौन है ये, किसी लड़की ने कहा है। खैर छोड़ो, हम लोग चलते हैं लॉस सैंटोस कस्टम। सिग्नल्स बहुत हैं यहाँ लॉस सैंटोस में। ओके तो सिग्नल ऑन हो चुका है। एक और सिग्नल आ गया, ये देखो बहुत परेशान करा हुआ इन सिग्नल्स ने यार, इतने भी सिग्नल नहीं होने चाहिए कहीं पे। बस ये लास्ट सिग्नल है, उसके बाद लॉस सैंटोस कस्टम आ जाएगा, लेफ्ट साइड पर है। तो जल्दी से चल के इसको मॉडिफाइड करवाते हैं हम लोग। चल यार ऑन हो जा जल्दी, फिर हाईवे पर भी जाना है इसकी टॉप स्पीड वगैरह। ओके तो ऑन हो चुका है, उसके बाद इसको मॉडिफाइड करवाने के बाद हाईवे पर चलेंगे, टॉप स्पीड इसकी चेक करेंगे हम लोग। ओके तो ये रहा लॉस सैंटोस कस्टम। ओके तो ये एक और भाई खड़ी हुई है गाड़ी, फुल मॉडिफाइड हुई हुई, कॉमेट M4 राइजिन बॉडी किट सुपर। ओके तो अब देखते हैं भाई इसमें क्या क्या मॉडिफिकेशन है, कुछ पता नहीं है अभी तो। आर्मर इसकी भाई हम फुल अपग्रेड करवाएंगे 100%। ब्रेक्स ओके, रेस ब्रेक्स, पैसों की मसला नहीं है भाई, पैसा बहुत। इंजन अपग्रेड लेवल 4, एग्जॉस्ट। यार मुझे सेकंड वाले सही लग रहे हैं क्योंकि इसके डिफ्यूज़र्स है ना बिल्कुल सही लग रहे हैं, परफेक्ट। ओके हुड, ये वाला सही है। हॉर्न तो नहीं, हेडलाइट्स, एक्सनॉन लाइट्स, नियॉन गेट्स, सिर्फ साइड की लगवाऊंगा यार मैं। ओके तो साइड्स की ये रही, लग गई। हाँ ओके साइड्स की हो गई। नियॉन कलर यार मैं इलेक्ट्रिक ब्लू, प्लेट को तो अभी रहने दो। ओके रीस्प्रे, प्राइमरी कलर मेटलिक, देखते कौन सा अच्छा लग रहा है। ओ भाई रेड के तो अलग ही लुक आ रहा है, गोल्ड गोल्ड मज़ा नहीं करा रहा यार, रेड करवाते हैं मेटालिक में। ओके तो ये वाला रेड सही है, और सेकेंडरी कलर मेटालिक में देख कौन सी चीज़ चेंज हो रही है। ओके तो इंटीरियर का कलर है तो इसको भी रेड ही रखवाते हैं, मैच हो जाएगा। रूफ क्या चेंज हो रहा, विंडो स्पॉइलर, बैक साइड की विंडो का आई थिंक। हाँ ऑल कंबाइंड सेट है, ये सही लग रहा। ओके स्पॉइलर, ओके ये है स्पॉइलर भी, ओके काफ़ी ज़बरदस्त है ये भी तो। ओ शिट भाई खतरनाक लग रहा है ये तो, और देखते हैं। ओके ये है, ये है तो मेरे ख्याल से लास्ट वाला बेस्ट है स्पॉइलर जी। सस्पेंशन यार वैसे ही गाड़ी इतनी डाउन है तो कोई बात नहीं, थोड़ी और करवा देते। कंपटीशन सस्पेंशन, ओके ट्रांसमिशन, रेस ट्रांसमिशन, टर्बो ट्यूनिंग, व्हील्स यार मैं इसके अब चेक करते हैं अगर उस पर लुक दुआ। यार स्टॉक व्हील सही है, कलर चेंज हो जाए इनका तो अच्छी बात है, नहीं हो सकता। व्हील एसेसरीज में देखते हैं क्या है। ओके तो पैट्रियॉट सही है,
अब रहेगा इसे विंडोज़। विंडोज़ यार मैं फुल लीमो करवाऊंगा। ओके तो बेस्ट। अब अपनी भाई BMW तैयार हो चुकी है। तो गाइस ये देखो भाई कैसी खतरनाक लग रही है। कोई ये देखो। और अभी तुम लोग इसका इंटीरियर देखो, देखो रेड हो चुका है, पहले ब्लू था। तो चलते हैं भाई इसे हाईवे पर लेके और इसकी टॉप स्पीड वगैरह चेक करते हैं। साउंड की तो यार बात ही नहीं है ना। साउंड तो भाई बहुत तगड़ा साउंड है। पीछे वाली साइड से चलते हैं यार, क्योंकि यहाँ पे ये वाला हाईवे सीधा नहीं है। जो दूसरा साइड है ना हाईवे की, वो बिल्कुल स्ट्रेट है, तो वहाँ पे आसानी से चेक हो जाएगी। वहाँ ट्रैफिक भी कम होता है, क्योंकि यहाँ पे बीच है ना, बीच की वजह से बहुत ट्रैफिक होता है। बहुत स्पीड लो हो गई है भाई गाड़ी की अपग्रेड होने के बाद। डेढ़ सौ तो भाई ऐसे ही क्रॉस कर रही है ये। ओके ओ बच्चा दो भाई। ओके तो सिग्नल, लेकिन हम लोग रुकेंगे नहीं। वो भाई से कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो रहा। ओके तो गाइस हम लोग हाईवे पर आ चुके हैं और अब हम यहाँ पर इसकी टॉप स्पीड चेक करते हैं कि भाई कितनी देरी। और देखो ट्रैफिक भी कोई इतना खास नहीं है, और तकरीबन है ही नहीं ट्रैफिक। तो चलते हैं अब। टू हंड्रेड तो क्रॉस करेगी मेरे ख्याल से। ओके 210। टू हंड्रेड एंड ट्वेंटी तो हो गई। 224। टू हंड्रेड एंड ट्वेंटी फाइव तक तो भाई गई है गाइस। ओके तो यहाँ पर भाई बच्चा ठुकना नहीं है, बट ठुकना नहीं है। ओ शेट, बच गए बच गए। तो गाइस 225 तक तो गई इसकी टॉप स्पीड गई है। तो यार अब यहीं से घर चलते हैं, क्योंकि फ्रैंकलिन का घर भी हाईवे पर ही है। और अच्छा थोड़ी और चेक कर लेंगे इसको, मज़ा आ रहा भी इसे चलाने में बहुत। और रेड कलर तो भाई बहुत ही कोई ख़तरनाक लुक दे रहा है। यहाँ से बस सीधा सीधा हाईवे पर ही फ्रैंकलिन का घर आता है। तो वैसे तुम लोग देख ही रहे हो मौसम भाई कैसा ज़बरदस्त मौसम हो रहा है। और गाड़ी की स्पीड भी भाई कुछ कम नहीं है। अब इसे चलाने में बहुत मज़ा आ रहा है अपग्रेड करने के बाद। ओ तो बच्चा तो हो गई, कंट्रोल कर ली। कंट्रोल करने से बहुत मुश्किल हो रहा है भाई अपग्रेड करने के बाद, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा स्पीड हो गई है अभी इसकी। तुम लोग कमेंट में बताना मैं इसकी व्हील्स चेंज करूँ या स्टॉक व्हील्स रखूँ, क्योंकि मैं थोड़ा इनमें कन्फ्यूज़ हो रहा हूँ। स्टॉक व्हील्स का जो है ना कलर मुझे पसंद नहीं आ रहा। शाम का मौसम हो रहा तो काफी जबरदस्त मौसम हो रहा है इस टाइम पे। तो अभी ज्यादा दूर नहीं है फ्रैंकलिन का घर, ऑलमोस्ट करीब ही है। और टनल में तुम लोग इसका साउंड सुनना यार, टनल में तो बहुत ही अलग साउंड आता है। के तो ब्रेक मारो भाई, बहुत स्पीड हो गई थी इसकी, कहीं आगे पहाड़ों में छुप जाती। इस तरफ के हाईवे पर बहुत मोड़ आते हैं, जब भी मैंने इस तरफ चेक नहीं की। ओके गाइस तो फ्रैंकलिन का घर बच्चा तो हो गई भाई। फ्रैंकलिन का नया वाला घर आ चुका है ये देखो। तभी से चलते हैं भाई अंदर लेके।
खुल जा सिम सिम, दरवाज़ा भाई ऐसे ही खुलता है। मजाक करो गाइस, ये सेंसर वाला दरवाज़ा है, काफ़ी ज़बरदस्त है ये गेट भी। फिर इसे गैरेज में पार्क कर देते हम लोग। तो भाई इस गाड़ी को बाहर नहीं खड़ा कर सकते हम। ओके तो परफेक्ट, यहाँ पार्क कर दी। तो भाई तुम लोगों ने देखी कैसी ज़बरदस्त BMW हो गई है फ्रैंकलिन के अपग्रेड के बाद, और मौसम तो बहुत ही ज़बरदस्त हो रहा है। तो इसीलिए गाइस, अगर तुम लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर देना, और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में।